दोस्तों अभी आप ये जो की देख रहे हैं ना, ये एक ऐसी कार की है जिसके अंदर आपको CNG ऑप्शन भी मिल जाता है, पेट्रोल चाहिए वो भी मिलेगा, हाइब्रिड चाहिए वो भी मिलेगा, एंड ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी अवेलेबल मिल जाता है। और ये है ऑल न्यू टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर। और इस कार को अगर आप परचेस करते हैं CNG के साथ में तो उसके अंदर आपको माइलेज मिलती है 26 किलोमीटर पर KG की, पेट्रोल के साथ में मिलती है 20 किलोमीटर पर लीटर की, और अगर आप हाइब्रिड चूज़ करते हैं तो 27 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज इस कार के साथ में अवेलेबल मिल जाती है। अभी जो कार है ना, इसके अंदर आपको दो बेसिकली ट्रिम्स मिल जाती हैं, एक मिलता है न्यू ड्राइव और एक मिलता है हाइब्रिड ऑप्शन। अब ये वाला जो वेरियंट आप देख रहे हैं ना, ये है न्यू ड्राइव, जिसके अंदर टॉप मॉडल के साथ में आपको ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन भी मिल जाता है, वो सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में मिलेगा। अब ये जो मॉडल आप सामने देख रहे हैं ना, ये है न्यू ड्राइव का टॉप मॉडल यानी कि V मॉडल, उसमें है ये ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन। अब अगर आप देखेंगे ना इस कार को, तो देखने में फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और अगर आप कंपेयर करेंगे इसको ग्रैंड विटारा से तो उससे ये काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग लगती है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ग्रैंड विटारा पसंद आती है या फिर टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर। इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं इसका वॉक अराउंड रिव्यू, और आप लोगों को बताएंगे कि इस मॉडल के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर की जाती हैं। सो अगर सबसे पहले हम लोग बात करें इसके फ्रंट प्रोफाइल की ना, तो फ्रंट के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाती हैं ट्विन DRLs ऑफर की जाती हैं, यहाँ पर क्रोम जो है पूरा यहाँ फ्रंट तक आता है, और इस साइड में आपको ये जो फ्रंट है क्रिस्टल आपको पूरा लुक दिया गया है, और उसके ऊपर क्रोम की दो पट्टी मिल जाती हैं, टोयोटा का यहाँ पर लोगो ऑफर किया जाता है। और अगर आप इस साइड देखेंगे ना, तो एक प्रोजेक्टर आपको यहाँ पर ऑफ़र किया जाता है, बेसिकली ये हेडलैम्प है और यहाँ पर प्रोजेक्टर दिया गया है जो कि LED के अंदर बेस्ड है, बाई फंक्शनल है यानी कि हाई बीम लो बीम इसी के अंदर काम करता है, और यहाँ पर आपको जो इंडिकेटर्स हैं वो इसी के अंदर ग्लो होते हुए नज़र आ जाएंगे। उसके बाद में अगर आप इस साइड नीचे देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो ग्रिल है ना वो नीचे की साइड में ऑफ़र की जाती है, और नीचे स्पोर्टी जो स्किड प्लेट है वो ऑफ़र की जा रही है, तो कुछ ऐसा आपको फ्रंट में लुक मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं इस वेरिएंट की न्यू ड्राइव वी मॉडल की, तो आपको इसके अंदर मिलता है 1.5 लीटर का के सीरीज पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 103 BHP ऑफ पावर एंड 136.8 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अब अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ ना, तो ये वाला मॉडल आपको 17.5 लाख एक्स शोरूम प्राइस के आसपास ऑन दिल्ली अवेलेबल मिलता है, एंड ऑन रोड की अगर मैं बात करूँ तो 20 लाख 30 हज़ार के आसपास आपको ये कॉस्ट करता है। एंड अगर आप मूव ऑन करें इसके साइड पार्ट की तरफ में, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कार काफ़ी ज़्यादा वाइड लगती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है साइड से देखने में। यहाँ पर आप एक चीज़ अलग नोटिस करेंगे इसके अदर वेरिएंट से, वो ये है कि आपको यहाँ पर ऑल व्हील ड्राइव की जो बैजिंग है वो यहाँ पर मिल जाती है। स्ट्रेट अगर बात करें इसके व्हील्स के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो डुअल टोन में आपको यहाँ पर अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं, अपोलो के यहाँ पर टायर्स मिल रहे हैं। टायर साइज़ की बात करूँ तो 215/60R17 इंच के जो टायर साइज़ है वो यहाँ पर ऑफ़र किए जा रहे हैं। व्हील आर्चेस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाती है क्लैडिंग, जो कि मिनिमलिस्टिक क्लैडिंग यहाँ पर ऑफ़र की गई है और काफ़ी ज़्यादा सूट करती है, ऐसे नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी क्लैडिंग मिल जाती है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 360 डिग्री कैमरा यहाँ पर मिलता है, तो एक कैमरा आपको यहाँ पर दिया गया है, एक उस मिरर पे है, एक पीछे है, और एक आपको यहाँ पर फ्रंट में भी ऑफ़र किया जाता है। तो 360 डिग्री कैमरा का सपोर्ट मिलता है, ये आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ में एंड डिटेक्टेबल ऑप्शन के साथ में अवेलेबल मिलता है, एंड ऑटो क्लोज का जो फंक्शन है वो भी इस मिरर के अंदर ऑफ़र किया जाता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा जो क्रोम की बिडिंग है वो दी गई है, ए पिलर, बी पिलर और सी पिलर पूरा ब्लैक फिनिश के साथ में है, और ये डुअल टोन वेरिएंट है जो आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं, और यहाँ पर आप इसका पूरा लुक देख सकते हैं वाइड में। पैसिव एंट्री का जो स्विच है आपको वो यहाँ पर अवेलेबल मिल जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे भी डिस्क जो है इस वेरिएंट के अंदर वो ऑफ़र की जा रही है। 6 एयरबैग्स आपको टोटल इस वेरिएंट के अंदर ऑफ़र किए जाते हैं, एंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो रूफ़ रेल्स है वो ब्लैक कलर के अंदर दी गई है, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पर ऑफ़र की जा रही है, और इस साइड बैक साइड भी इसकी काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग है। पीछे से आप पूरा लुक अभी देख सकते हैं, टोयोटा का लोगो यहाँ पर मिल जाता है, और टेल लैंप्स कुछ ऐसे आपको LED के अंदर ऑफ़र की जा रही हैं। हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलता है, डिफॉगर यहाँ पर मिलता है, वाइपर पीछे मिल जाता है, लाइसेंस प्लेट की प्लेसमेंट है, पीछे कैमरा है, पीछे भी आपको स्पोर्टी स्किड प्लेट ऑफ़र की जा रही है, एंड चार पार्किंग जो सेंसर्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल मिल जाते हैं। इस साइड आप एग्जॉस्ट नोट देख सकते हैं,
पीछे आपको टोइंग हुक अवेलेबल मिल जाता है, एंड जो टायर है स्पेयर टायर वो आप बूट को ओपन करने के बाद एक्सेस कर सकते हैं। अर्बन क्रूजर हाई राइडर की बैजिंग यहाँ पर मिल जाती है, नियो ड्राइव वी की बैजिंग यहाँ पर मिलती है, इंडिकेटर यहाँ पर है, रिवर्स लैम्प यहाँ पर है, रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप इस साइड देखेंगे तो ये वाला भी आप पूरा वो देख सकते हैं लोग। 45 लीटर्स का जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो यहाँ पर मिलती है, ऑल व्हील ड्राइव की बैजिंग भी आपको यहाँ पर मिल रही है, एंड एक और आपको पैसिव एंट्री का जो स्विच है वो इस साइड में ऑफर किया जाता है। सो ये तो हो गई पूरी बार बार की बात, अब चलते हैं स्ट्रेट इसके इंटीरियर की तरफ और एक बार मैं आपको इसका इंटीरियर भी चेकआउट करा देता हूँ। सो इंटीरियर्स के बारे में जानने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग न्यू ड्राइव वेरिएंट लेते हैं तो आपको ऑल ब्लैक जो इंटीरियर है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, बट अगर आप हाइब्रिड वेरिएंट चूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको जो कलर स्कीम है वो डुअल टोन के अंदर मिलेगी, यानी कि हाइब्रिड के अंदर आपको ब्राउन एंड ब्लैक का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो देखने के लिए मिलेगा, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और प्रीमियम अपील देता है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, सबसे पहले इसका ड्राइवर साइड डोर अंदर की साइड से पैनल, तो यहाँ पर ये पूरा हार्ड में है, ये आपको सॉफ्ट टच मिलता है, ये भी सॉफ्ट टच मिलता है, प्रीमियम जो स्टिचिंग है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ये आपको सिल्वर फिनिश के साथ में मिलता है, ये आपको भी सिल्वर फिनिश के साथ में अवेलेबल दिया जा रहा है, ये ग्लॉस फिनिश के साथ में है, यहाँ पर पावर विंडोज़ के कंट्रोल हैं और इसका जो ORVM है उसके कंट्रोल्स भी आपको मिल जाएंगे। एक लीटर की बॉटल आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाएगा स्टोरेज के लिए। एंड जैसे ही आप अंदर की साइड मूव ऑन करेंगे तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर आपको मिल जाती है इसकी रिक्लाइन और हाइट एडजस्टमेंट जो है वो दोनों ही ऑफर की जा रही हैं। सीट्स आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं, पूरी तरीके से अच्छी और एक प्रीमियम जो टच है वो यहाँ पर दी गई है। एंड स्ट्रेट बात करते हैं अब इसके स्टीयरिंग व्हील की, और कार को अब हम एक बार इग्निशन इसका ऑन कर लिया है और यहाँ पर अब आप इसका पूरा लुक देख सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरीके से राउंड शेप में है, यहाँ पर आपको ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल फंक्शंस मिल जाएंगे। स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक ऑप्शन दोनों ही यहाँ पर अवेलेबल दिए जाते हैं, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जिन लोगों को अपने हिसाब से एडजस्ट करना है हाइट एंड एडजस्टमेंट, तो वो आप दोनों चीज़ यहाँ पर कर पाएंगे। यहाँ पर कॉलिंग कंट्रोल्स भी आपको मिल जाते हैं, इस साइड अगर आप देखेंगे तो वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर एक आपको इंटरवल टाइम का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मिल जाता है। इस साइड पर आपको हेडलैम्प के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर ऑटो हेडलैम्प का फीचर भी अवेलेबल दिया जाता है। इस साइड स्टार्ट स्टॉप का स्विच मिलता है, ये पूरा आपको सॉफ्ट टच के साथ में है। यहाँ पर आपको हिल डिसेंट का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल मिल जाता है, ये ऑप्शन आपको ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ में ही सिर्फ दिया जा रहा है। इस साइड से आप इसका 360 डिग्री कैमरा जो है वो ऑन कर सकते हैं, जब भी आप चाहें यहाँ से आप इसकी जो हाइट की लेवलिंग है वो एडजस्ट कर पाएंगे। स्टार्ट स्टॉप स्विच यहाँ पर है, जिसके सराउंड्स में आपको पूरी तरीके से क्रोम फिनिश मिल जाएगी, एसी वेंट की प्लेसमेंट यहाँ पर है। और अब अगर आप इसका क्लस्टर मीटर देखेंगे तो एनालॉग के अंदर यहाँ पर ऑफर किया गया आरपीएम मीटर एंड स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज यहाँ पर है, यहाँ पर आपको टेम्परेचर यूनिट देखने के लिए मिलेगी, और बीच में आपको मिल जाती है इसकी MID, जिसके अंदर काफ़ी सारी यूज़फुल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अवेलेबल दी जा रही है। सेम जैसे कि बलेनो और ग्रैंड विटारा के साथ में है, वो सारे फंक्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बेसिकली ये सेम ही कार्स हैं, बट नाम जो है वो यहाँ पर चेंज किए गए हैं। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 9 inches की जो स्क्रीन है वो यहाँ पर ऑफर की जा रही है, जिसके अंदर आपको अच्छा खासा जो सपोर्ट है वो मिल जाता है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, साथ ही जो भी पेड डिवाइसेस है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे, और होम स्क्रीन के ऊपर काफ़ी सारे जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आती रहती है, लाइक कि कौन सा आपने FM यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मीडिया यूज़ कर रहे हैं, एवरेज स्पीड कितनी मेंटेन कर रहे हैं, डिस्टेंस टू एम्प्टी कितना है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये पूरा आपको ग्लॉस फिनिश के साथ में दिया गया है, यहाँ से आप इसके हजार्ड लैम्प ऑन कर सकते हैं, AC वेंट्स यहाँ पर हैं। इस साइड पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की यूनिट मिल जाती है, एंड इस साइड आप यहां पर देख सकते हैं ये आपको मिल जाता है इसके ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए, आइडल स्टार्ट स्टॉप ऑन एंड ऑफ करने के लिए बटन, 12 वोल्ट 120 वॉट सॉकेट का जो अडैप्टर सॉकेट है वो यहां पर दिया गया है, USB कनेक्ट करने के लिए यहां पर ऑप्शन है। इस साइड आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी, अगर आप हाइब्रिड ऑप्शन चूज़ करते हैं तो यहां पर आपको वायरलेस चार्जर भी अवेलेबल दिया जाता है। साथ ही अगर आप हाइब्रिड ऑप्शन में टॉप मॉडल चूज़ करेंगे V, तो यहां पर आपको जो
हेड्सअप डिस्प्ले है वो भी यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी। एंड यहाँ पर इस वेरिएंट के अंदर एक अलग चीज़ है जो कि ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन, और यहाँ पर आपको उसके कंट्रोल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दो मोड्स मिल जाते हैं स्नो एंड स्पोर्ट का। सो जैसे आप इसे घुमाएंगे तो स्पोर्ट मोड ऑन हो जाता है, एंड अगर आप इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो यहाँ पर स्नो मोड एक्टिव एंड स्पोर्ट मोड, दो मोड्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। जिसके बाद आप इसको, अगर आपको ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन लगाना है तो आपको इसको स्नो मोड पर लगाना होगा, और उसके बाद आपको इसको लॉक पर लॉक करना होगा, जिसके बाद आप इसका जो ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन है उसको एक्सेस कर पाएंगे। एंड अगर आप इसको सिटी में राइड कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो आप इसको ऑटो मोड पर ही ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन अवेलेबल मिल जाता है, हैंड ब्रेक यहाँ पर है, आर्म रेस्ट यहाँ पर है, और इस साइड आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, और ये पूरा सॉफ्ट टच के साथ में है। यहाँ पर अगेन सिल्वर फिनिश आपको देखने के लिए मिलेगी, और यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका ऑटो IRVM, जिसके अंदर आपको अच्छा खासा फीचर मिल जाता है। यानी कि ऑटो IRVM मतलब ये आपको जो पीछे से रेज वगैरह आ रही हो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं, जो लाइट वगैरह आती है और आपकी आइज़ पर स्ट्रेन कम होता है, तो उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर मिल जाएगा, इस साइड आपको अंदर लैम्प्स मिल जाते हैं, उसके बाद यहाँ अगर आप देखेंगे तो पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पर ऑफर की जाती है, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। अभी आप देखना है जैसे ही पीछे जाएगी तो ये भी पीछे जा रहा है, जिस वजह से जो एरिया है ना बाहर निकलने का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी इस कार के अंदर। यहाँ पर अगर आप ग्लव बॉक्स देखेंगे तो यहाँ पर ग्लव बॉक्स अच्छे खासे स्पेस के साथ में मिल जाता है। एंड अब चलते हैं इसके रियर सीट्स की तरफ, बट एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर के साथ में लाइट भी मिल जाती है, इस साइड भी आपको सेम चीज़ ऑफर की जा रही है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और अब चलते हैं इसके रियर सीट्स की तरफ, एंड रियर सीट में सबसे पहले अगर हम बात करें इस साइड, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक पावर विंडो का स्विच मिलता है, यहाँ पर आपको स्टोरेज के लिए एक बॉटल स्टोर आप इजीली कर सकते हैं। इस वेरिएंट के अंदर आपको मिल जाते हैं ओवरऑल 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स का जो सपोर्ट है वो यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है, और यहाँ पर आपको RKMS साउंड सिस्टम मिलता है। बट अगर आप हाइब्रिड वेरिएंट चूज़ करते हैं तो आपको एक स्पेशल जो स्पीकर सिस्टम है वो यहाँ पर ऑफ़र किया जाता है हाइब्रिड V मॉडल के अंदर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पीछे की साइड में एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफ़र किए जा रहे हैं, मिड पैसेंजर के लिए भी यहाँ पर आपको जो हेडरेस्ट है वो ऑफ़र किया गया है। इस साइड पर आपको आर्मरेस्ट मिलता है जिसके अंदर 2 कप होल्डर्स भी अवेलेबल दिए जा रहे हैं। ISOFIX चाइल्ड एंकर्स जो हैं वो यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं, आपके विषय कि आप इस साइड लगाएं या फिर उस साइड लगाएं। सो सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है टोयोटा, और मिड पैसेंजर के लिए भी आपको 3-point जो सीट बेल्ट है वो ऑफ़र की जा रही है, और उसका पॉइंट आप वहाँ पर देख सकते हैं, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सेफ्टी पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान यहाँ पर दिया गया है, एंड यहाँ पर आपको पीछे भी बैक पॉकेट मिल जाएगी, उस साइड भी अवेलेबल मिल जाएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो रियर एसी वेंट्स मिलते हैं, टाइप ए पोर्ट एंड टाइप सी पोर्ट मिलता है, और यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, बीच में एक छोटा सा हम्प यहाँ पर दिया गया है, रीडिंग लैम्प यहाँ पर आपको दिया जा रहा है जिसको आप यहीं से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, एंड ऑटो मोड पर भी ऑन होता है, यानी कि जैसे आप डोर्स ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। पीछे से कुछ ऐसा आपको लुक मिलेगा इसके फ्रंट डैशबोर्ड का, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है कार। अब मैं अगर बात करूँ इसकी स्पेस की, तो मैंने ये वाली जो सीट है वो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की है, और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो अच्छा खासा जो स्पेस है वो यहाँ पर मिल रहा है। साथ ही अगर मैं बात करूँ इसके थाई सपोर्ट की, तो थाई सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर दिया जा रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे हेडरूम, तो हेडरूम जस्ट सफिशिएंट आपको यहाँ पर मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि आपका सर टच हो जाएगा, ठीक ठाक जो हेडरूम है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाता है। तो कुछ ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। एंड अब बात करें अगर इसके बूट स्पेस की, तो यहाँ पर आप इसका बूट देख सकते हो, इस बटन को हल्का सा प्रेस करते ही जो ये है वो एक्सेस हो जाता है, और यहाँ पर आपको पार्सल शेल्फ मिल जाता है, यहाँ पर आपको लगेज में एक लैंप मिलता है, 120 वॉट का आपको अडैप्टर सॉकेट मिलता है जो कि इमरजेंसी केसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आता है, यहाँ पर आपको एक टोइंग हुक मिलता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्पेयर व्हील ऑफर किया गया अपोलो का, और अगर मैं टायर साइज़ की बात करूँ तो 215/60R17 का जो टायर साइज़ है स्टील व्हील वो यहाँ पर ऑफ़र किया गया है, और यहाँ पर आपको कुछ इतना स्पेस ऑफ़र
किया जाता है। सो ओवरऑल अगर बात करें तो अच्छा खासा स्पेस ये कार ऑफर कर रही है, और यहाँ से आप इसको क्रैप करके इजीली बंद कर सकते हैं। शॉकर्स का जो यूज़ है वो यहाँ पर किया गया है इसके बूट स्पेस को एक्सेस करने के लिए। सो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाई राइडर कैसी लगी, और ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।